किया। नारी सशक्तिकरण को दर्शाती हुई एक कविता, मैं कोई रेत पर उकरी हुई आकृति नहीं, मैं कोई रेत पर उकरी हुई आकृति नहीं जो कुछ क्षण में ही बिखर जाऊं, मैं कोई हवा में बनी रंगों की तस्वीर नहीं, मैं कोई हवा में बनी रंगों की तस्वीर नहीं जो बदलते मौसम के साथ हवा हो जाऊं, और ना ही मैं बारिश की पहली बूंद हूं जिसे पी जाए समय की तपिश, और ना ही मैं बारिश की पहली बूंद हूं जिसे पी जाए समय की तपिश, मैं तो वो अणु हूं जो टूटेगा तो असंख्य हो जाएगा, मैं तो वो एक लहर हूं जब मिटेगी समंदर बन जाएगी। एक मेरी कविता जो मेरी जिंदगी के साथ साथ रही, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मर जानिया, सारा दिन दादी के दाएं बाएं घूमती, सारा दिन दादी के दाएं बाएं घूमती, दादी दादी पुकारती ना थकती, दादी की चारों पोतियां, दादी निहारती दुलारती पुचकारती और फिर प्यार से कह देती मर जानिया, दादी निहारती दुलारती पुचकारती और फिर प्यार से कह देती मर जानिया, बड़ी पोती सफेद बालों में तेल लगाती कंघी करती रिबन का फूल बना चांदी रंगे तारों को इकट्ठा कर सजा देती छोटी सी चोटी, कोई दादी की छड़ी संभालती तो कोई दादी के कपड़े और निकसुक, कभी कभी दादी बहुत उदास हो जाती, कभी कभी दादी बहुत उदास हो जाती, घर काटने को दौड़ता जैसे सारा दिन चुप चुप सी रहती, दादी सुबह शाम गुरुद्वारे जाती छोटी पोती भागी भागी उसकी चप्पल उठा लाती और फिर चल देती दादी के साथ साथ गुरुद्वारे, दादी घंटों हाथ जोड़कर बैठी रहती और रब से मांगती एक पोता जिसे वो कह सकती कुछ नेमत रही होगी मुझ पर कि मुझे आज इस महफिल में उपस्थित होने का मौका मिला, आप सब दिग्गजों के सामने खड़े होने का मौका मिला। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी का कि आपने इस महफिल में आके चार चांद लगाए। तो इस कवि दरबार का विराम करेंगे एक कविता के साथ। मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका बीए द्वितीय की छात्रा को जो कि अपनी कविता पेश करेगी।